सब आवाज चले गए। हाय गाइस, हेलो। ये हमें ये भी दिखा, इधर का क्या लद्दाख दिखाने वाला है, लद्दाख मिनी लद्दाख दिखाएंगे पैंगोंग लेक का, तो वो भी देखना है आगे जाके। ले देखा सुख मन आके सेक ले, ये तो लद्दाख डाल रहा हूँ। गाइस वेलकम टू लद्दाख, मिनी लद्दाख कसम से। ओ, ये विला है, ये डाइनिंग एरिया सामने, और इसके सामने ये व्यू, ये डैम का व्यू पूरा ऊपर जाने के बाद। ये देखो यहाँ पे बैठ के ये सामने का व्यू, वाव सनसेट होते हुए दिख रहा है सामने, और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं। क्या प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट डे का मॉर्निंग एंड आई एम गोइंग टू शो यू अ मॉर्निंग व्यू यहाँ का। अभी हम लोग बेडरूम से अगर उठते सुबह सुबह जो जन्नत देखने मिलती है वो। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माय नेम इज आकाश शिंदे एंड आज का होने वाला है ट्रैवल ब्लॉग। सो मी एंड माय ऑफिस कलीग आज ऐसे ही ऑफ है तो हम लोग निकल रहे। दिस इज अ अनप्लान ट्रिप, मतलब ऐसा कुछ प्लान ही नहीं है कि कहाँ जाना है, क्या खाना है, कुछ नहीं कुछ नहीं। बस ऐसा था कि अरे ऑफ है निकल जाते हैं तो निकल लिए, तो ऐसा वाला ट्रिप होने वाला है। और हम लोग जाने वाले टूवर्ड्स नासिक साइड, ठीक है। तो नासिक जाते जाते बीच में जो भी रहेगा वो एक्सप्लोर करेंगे, खाएंगे पियेंगे मजा करेंगे, रिटर्न आएंगे। सो मुझे कुछ खुद को पता नहीं कि कहाँ कहाँ पे जाने वाले हैं, बट स्टिल मैं आपको अश्योर करता हूँ कि आपको वीडियो में मजा जरूर आएगा, ब्लॉग में मजा जरूर आएगा, तो एंड तक ब्लॉग के लिए बने रहना। तो मैं ऐसे ही ट्रैवल ब्लॉग और फूड ब्लॉग बनाते रहता हूँ। अगर मेरा वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को शेयर कर दो, और बाकी सब वीडियो को लाइक भी कर दो। 11 o'clock हो गया, अभी हम लोग निकलेंगे यहाँ से, तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम जाते हैं एंड जर्नी स्टार्ट करते हैं। देखो ये इसका गाड़ी है, यानी के वीडियो है यार, अरे वीडियो है ब्लॉग साठी। तो ये फन होटल के सामने करिश्मा ढाबा है, इधर हम लोग लंच करेंगे। आफ्टरनून का टाइम है, बहुत भूख लगा था तो अभी लंच करने के लिए रुक रहे। थोड़ा अच्छा एम्बियंस है मैं बताता हूँ आपको, घेतला तुला ब्लॉग मध्ये। ये देखो ये इसका गाड़ी है, स्विफ्ट अनिकेत। हाय गाइस, हेलो। ये हमें ये भी दिखा, इधर का क्या लद्दाख दिखाने वाला है, लद्दाख मिनी लद्दाख दिखाएंगे पैंगोंग लेक का, तो वो भी देखना है आगे जाके। तो यहाँ पे भी सिटिंग अरेंजमेंट है, यहाँ पे भी अच्छा ऊपर हट्स जैसा है। यहाँ पे फैमिली ओनली फॉर फैमिली, तो इसके लिए हम लोग को नहीं दे रहे, मिनिमम 6 पर्सन। ये हाफ है ना, ये हाफ क्या है, बटर चिकन का क्वांटिटी देखो फुल के इतने है। मुंबई के अपना रेस्टोरेंट सर्विंग यहाँ पे हाफ ऑर्डर करो तो फुल मिलता है, अभी आगे जाओ तो 1 प्लेट बोलो तो हड्डी मिलेगी। समझते आता पसंद तुझा कार्यक्रम झाला ऐसा बोलना, कुछ लगेगा तो बोल दे भाई। तो हम लोग का हो गया यहाँ पे लंच, बहुत मस्त था। मतलब यहाँ का जो बटर चिकन है ना, एक करिश्मा ढाबा फन होटल के सामने, यहाँ पे आके बटर चिकन लो, हाफ बटर चिकन में इतना ज़्यादा क्वांटिटी था, स्पाइसी था बटर चिकन और बहुत मस्त था, बहुत अच्छा लगा बटर चिकन। और चपाती लिया था भी, देखते ले देखा सुख मन आके सेक ले, तो लद्दाख डाल रहा हूँ।
ये रुका, मेरे को फोटो लेने का उधर से, आगे से और अच्छा है इधर। डुबकी मारे गाइस, वेलकम टू लद्दाख। सोच रहा हूँ मिनी लद्दाख तो ये अनिकेत हम लोग को लेके आया बाहुली डैम। ये डैम है, यहाँ पे हम लोग अभी सनसेट देखेंगे। बाहुली डैम कैसा है तो थोड़ा गाइड कर। नासिक हाईवे से राइट ना, बाहुली डैम ट्रॉपिकल रिटर्न के बाजू में ही आता है, वहां से एक अंदर की तरफ रोड आता है। 5 किलोमीटर? हार्डली 5 भी नहीं है यार, ये 1 किलोमीटर का भी रास्ता नहीं है। बट जगह 2 किलोमीटर में ना पूरा जन्नती है। और इधर पूरा बारिश में, तो ये पूरा बारिश में पूरा इधर आजू बाजू में पूरा ऐसा वाटरफॉल है, वो अभी सूखे पड़े लेकिन इसमें बारिश में पूरा वो भरे हुए रहते। ये वाला व्यू मैं कैमरे से कितने भी दिखाऊं, मतलब DSLR से भी दिखाऊं तो भी जस्टिफाई नहीं होगा। मतलब क्या है, 2-2.5 घंटे का रास्ता है मुंबई से, या फिर आप नासिक से आओगे तो 1 घंटे का हार्डली। बहुत मस्त है, मतलब बाइक राइड मॉर्निंग में या फिर वन डे का रिटर्न ट्रिप आराम से हो सकता है। अभी ये तो हम लोग थोड़ा ऊपर है, अभी नीचे किनारे के इधर भी जाते हैं। इसके लिए बोल रहा था इधर का पैंगोंग लेक, ये अनिकेत बोल रहा था। तो ये जो बाहुली डैम है उसके ही बाजू में यहाँ पे ये ऐसा कंस्ट्रक्शन चल रहा है, और 3-4 ऐसा लाइन से वो लोग बंगलो बनाए हैं। तो वो बंगलो का कुछ एग्जैक्ट अभी तक ये लोग ने नाम नहीं दिया है। तो 1, 2, 3, 4 ऐसा लाइन ही में 3-4 बंगलो है, सबका कंस्ट्रक्शन चालू। ये एक ही बंगलो है जो कंस्ट्रक्ट हो गया ऑलरेडी। एंड ये थोड़े हमारे पहचान के थे, यहाँ पे हम लोग ऑफिस के काम से आए थे, उनका ही है। तो उन्होंने बोला कि हमको, हम लोग यहाँ पे स्टे कर सकते हैं। तो ये रूम है, उनका प्लानिंग चलो कि ये गेस्ट लोग को रेंट पे देते हैं जैसे पर नाइट कॉस्ट के हिसाब से। तो प्रॉपर मैं आपको रूम टूर भी देता हूँ। ये विला है, ये डाइनिंग एरिया सामने, और इसके सामने ये व्यू, ये डैम का व्यू पूरा। मैं बैक कैमरे से अच्छे से पूरा रूम टूर देता हूँ। ये वो रोड है जो बाहुली डैम से उधर से आने के बाद यहाँ पे, ये वो रोड, और पूरा कंस्ट्रक्शन चल रहा है सब बंगलोस का लाइन से। वो अभी तक कंस्ट्रक्ट नहीं है, इसका हो गया कंस्ट्रक्शन। और ये इसका आउटसाइड एरिया जहाँ पे वी कैन सिट। शाम को यहाँ पे ये इनका हॉल, अभी दे हैव ड्राई किचन एट ऑल्सो। इधर क्या क्या है, अच्छा बेसिक फ्रिज भी है, बेसिक कटलरीज, ग्लास वगैरह, कैंट, वाटर प्यूरिफायर, वॉश बेसिन फ्री। ये किधर से आया जॉनी वॉकर? आपको यहाँ पे अगर आप रूम बुक करते तो जॉनी वॉकर मिलता है। वॉशरूम में बाद में आएंगे, सबसे पहला बेडरूम देख लो। ये है बेडरूम, यहाँ पे भी टीवी, यू विल गेट एक्स्ट्रा मैट्रेस ऑल्सो। और सबसे इम्पोर्टेंट, ये एसी थोड़ा कंस्ट्रक्ट चालू है इसका पूरा, अभी तक कंस्ट्रक्शन हुआ नहीं है इसके लिए, एसी नहीं है तो यहाँ पे एसी भी लगेगा। और ये ओपन करने के बाद ये स्लाइडिंग डोर से ये बाहर का व्यू, ये आर्टिफिशियल कारपेट डाल के
ते ओळखीचे होते भारी दिले त्यांनी. तो लकीली यहाँ के जो ओनर है वो जो हमें काम था और उन्होंने इतना अच्छा, उनका ये पर्सनल प्रॉपर्टी है जो वो रेंट पे अभी देने के लिए चालू करेंगे. वहाँ पे हम लोग काइंड ऑफ प्रमोशन कर रहे हैं, तो यहाँ पे आके आप लोग रह सकते हैं. इसका रेंट है या फिर पर नाइट कॉस्ट है, मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उनका नेम एंड नंबर दे दूंगा. आप डायरेक्टली उनको कॉल करके जो भी पर नाइट कॉस्ट है एज पर सीजन वाइज वो आप उनसे पूछ सकते हैं. मैं अभी मेंशन नहीं कर सकता बिकॉज हमें एक स्पेशल केस पे दिया है. तो टेरेस भी है ऊपर, तो उधर का व्यू दिखाता हूँ. ऐसा ऊपर जाने के बाद ये देखो, ये भाई साहब पहले से मजा ले रहे. ये हमारे निर्मल भाई है. तो यहाँ पे बैठ के ये सामने का व्यू, वाव सनसेट होते हुए दिख रहा है सामने और हम लोग यहाँ पे बैठे हैं. क्या प्रॉपर्टी है यार. ये बाजू में सब कंस्ट्रक्शन हो रहा है, ये भी अंडर कंस्ट्रक्ट ही है. तो ये डैम बाहुली, ये डैम है. और ये गांव का नाम क्या? दामड़ की गांव है वहाँ पे. ये बंगला से नाव ना ठेवले ना अजुन कैसा. ओविता बंगलो करके. यहाँ पे कोई भी आप लोकल को पूछोगे तो ओविता रिट्रीट, लोकल को पूछोगे बता देगा. गूगल मैप पे लोकेशन नहीं आएगा क्योंकि अंडर कंस्ट्रक्ट है, अभी तक प्रॉपरली बना नहीं है. किसी को अभी तक प्रॉपर ऐसे देते नहीं है, जो भी है रिलेटिव्स वगैरह को ही देते हैं. तो मैं इनका नाम नंबर डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, जो भी आप इनको कॉन्टैक्ट करके जो भी रेट है कितने लोगों के लिए वो हिसाब से यहाँ पे आ सकते हैं. अभी के लिए तो आप व्यू और जो भी ये स्टे है वो एंजॉय करो. ये पूरा इन लोग का मतलब वही कंस्ट्रक्शन का सामान है. यहाँ पे और भी रूम्स वगैरह बनाएंगे और वहाँ पे इन्फिनिटी पूल बनाने वाले. उनके जो ओनर थे उनसे बात हुआ तो दे सेड दैट यहाँ पे इन्फिनिटी पूल बनाएंगे अराउंड 4 फीट से लेके 6 फीट तक का. तो ये पूल का काम चल रहा है. बाय द टाइम ये जब वीडियो आएगा, क्योंकि बहुत सारे वीडियो मेरे पेंडिंग है, सो बाय द टाइम जब ये वीडियो आ जाएगा मे बी ये चालू हो भी गया रहेगा. तो आप डायरेक्टली कॉल कर सकते हैं, ऐसा मत सोचना कि ये चालू नहीं रहेगा, तब तक ये चालू हो भी जाएगा. ये तो मैं अभी आ रहा हूँ, ये वीडियो को आने में आराम से 1-1.5 महीना तो लगने ही वाला है क्योंकि बहुत सारे वीडियोस पेंडिंग है. ब्लॉग्स हो सॉरी सब्सक्राइबर्स ये सब वहाँ पे. अभी तो यहाँ के जो ओनर है वो बोल अभी हमें बोल रहे थे कि वो जो उधर स्विमिंग पूल दिख रहा है ना, वो स्विमिंग पूल तुम लोग यूज़ कर सकते हैं. लेकिन नहीं, अभी शाम के टाइम किधर यूज़ करेंगे हम लोग. क्या हम लोग स्टे के प्लान से आई नहीं थे, हम लोग तो अभी निकलने वाले थे लेकिन वो अचानक से अभी यहाँ पे हम लोग स्टे करने वाले, नहीं तो स्टे नहीं करने वाले थे. बंगलोस स्टे ऑप्शन और इनके सामने ये व्यू, ये पुल जो बनेगा और ये. आई गिव यू अ बेडरूम का टूर प्रॉपर. तो एक सबसे इम्पोर्टेंट जो मुझे लगता है सॉकेट है बाजू में, मोबाइल वगैरह चार्जिंग लगा सकते हैं. यहाँ पे भी टीवी के इधर यहाँ पे है, ये तो आउटसाइड एरिया, यहाँ पे भी सॉकेट है. देन ये सेकंड वॉशरूम, ये छोटा सा है भले ही बट स्टिल है. जो बेडरूम में रहते हो बाहर नहीं जाने का ज़रूरत नहीं है, छोटा सा है. तो वॉशरूम इज़ देयर.
एंड ये आउटसाइड गुड मॉर्निंग गाइस, सो आई विल शो यू द दिस इज द नेक्स्ट डे का मॉर्निंग एंड आई एम गोइंग टू शो यू अ मॉर्निंग व्यू यहाँ का। अभी हम लोग बेडरूम से अगर उठते हैं सुबह सुबह जो जन्नत देखने मिलती है वो कल रात को मैंने आपको हॉल में जो सोफा दिखाया था ना ऐसा एल शेप में जो था वो सोफा तो है और उसके साथ सोफा कम बेड है, मतलब उसको ओपन करने के बाद देखो ये ऐसा है। इसको पूरा ही अच्छे से इतना ओपन होता है और ऐसा ये दो है तो उनके मुताबिक यहाँ पे दो लोग और यहाँ पे दो लोग तो चार जन आराम से सो सकते हैं। लेकिन अगर हमारे जैसे ग्रुप भी आया एंटायर पूरा ग्रुप भी आता है तो पांच छह लोग तो आराम से इस पे सो सकते हैं। रात को हम लोग ने यहाँ पे बहुत बहुत मजा किया, यहाँ पे फुल ऐसा वो जो JBL का इनका स्पीकर है वो लगा के डांस वांस पार्टी वार्टी बहुत बहुत मजा आया। और रात को इतना मतलब ठंडी इतना नहीं था लेकिन हवा बहुत ज्यादा था, तो ये जैसे अभी दिसंबर जनवरी में आप आओगे तब और ज़्यादा ठंडी रहेगा। तो यहाँ के मतलब जो बुकिंग का देखते हैं ताना जी, ये देखो ये एंथमी नंबर देना डिस्क्रिप्शन में दे, कुछ भी रहेगा इनको कॉल करो, जो भी पर हेड के हिसाब से या फिर कितने ग्रुप के क्या होता है कॉस्ट वो सब आपको ताना जी बता देंगे। जस्ट मेरा ताना जी से बात हुआ, यहाँ पे स्टील टेंट होगा, दो स्टील टेंट होगा 2 BHK का, आगे वो इन्फिनिटी स्विमिंग पूल एंड ये लग्जरी विला, ये सब यहाँ का मतलब फ्यूचर प्लान है। वो बोल रहे हैं कि एक आध महीने में वो सब तैयार हो भी जाएगा। अगर यहाँ के रूम का अगर मैं कैपेसिटी का बात करूँ तो इनके हिसाब से 8 से 10 लोगों को वो रूम देते हैं, जैसे बाहर 4 लोग सो सकते हैं अंदर 4 लोग सो सकते हैं। लेकिन अगर एडजस्ट करने वाले रहोगे ना तो आराम से 12 लोग तो कहीं पर भी नहीं, क्योंकि ये जो सोफा ओपन होने के बाद इसमें 4-5 लोग सो सकते हैं, वहाँ पे कोई रह सकता है। देन अगर ये इनका जो किचन है यहाँ पे इंडक्शन तो बाहर से आप कुछ भी लाते पार्सल, तो ये थोड़ा सा बर्तन यूटेंसिल सब दिया है बेसिक, तो इसमें हम खुद से गर्म करके खा सकते हो, इट्स काइंड ऑफ Airbnb जैसा है। लेकिन ये होने के बाद तो बहुत महंगा हो जाएगा भाई। तो ये बेड इतना बड़ा है कि निर्मल अनिकेत में हम 3 लोग आराम से सो गए थे, इधर सर ये बेड, ये इनका एक्स्ट्रा मैट्रेस भी बड़ा है, क्लब महिंद्रा वाले तो 3000 लेंगे ना ये मैट्रेस का। जो भी आप पैसे देते हो ना ऐसा रूम ऐसा ये एक बहुत जगह पे मिलेगा लेकिन ऐसा व्यू कहीं नहीं मिलेगा। तो बॉस जो भी पैसा है सारा ये व्यू का पैसा है, ये निर्मल को व्यू चाहिए था उसको मिल गया, पहाड़ों में उसको रहना था। और अभी हम लोग इधर से निकल रहे हैं दिल पे पत्थर रख के, सबसे ज्यादा पत्थर ये सर ने रखा है, सर को निकलना नहीं है इधर से। एक्चुअली सर को उनको रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि ये बुकिंग कैंसिल करो इधर का और हम लोग को रहने दो, लेकिन वो पॉसिबल नहीं है। चलो लेट्स
बोलो अभी जाना पड़ेगा, बाय बाय। लोकेशन पे वापस आना है ना सर, अभी से बुकिंग किया है 27। यस यस, दिस इज द मस्ट, वेरी ब्यूटीफुल लोकेशन, प्लीज कम हियर एंड विजिट एंड सी द एनवायरमेंट। एग्जैक्टली, थैंक यू। ये कैमरा इतना जस्टिफाई नहीं कर रहा है जितना खुद से अगर आप देखोगे तो उतना अच्छा लगेगा। हवा देखो, रात को भी ऐसे ही हवा था। बस अभी निकल रहे, ये वही ब्यूटीफुल विला। ये जो बावली डैम को जो रास्ता था ना उधर से, ये अभी यहाँ पे स्टार्ट होता है और यही से अगर ऐसा स्ट्रेट 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 जाने के बाद आगे महिंद्रा नेचर प्रोजेक्ट ऐसा कुछ तो है, एंड उसके बाद आहिरे किचन है, आहिर किचन। वो आहिर किचन किधर से राइट मार के वो बंगलों का स्टे है, क्योंकि अभी लैंडमार्क मैं कैसे बताऊँ तो वही बता सकता हूँ कि यहाँ से जैसे बावली डैम चालू होता है सीधा 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 जाके जहाँ पे टपरी रहेगा और बाजू में आहिरे किचन करके रहेगा महिंद्रा प्रोजेक्ट, हरियाली प्रोजेक्ट, महिंद्रा हरियाली प्रोजेक्ट के बाद, तो वहाँ पे वो बंगलो है। वैसे भी मैं नाम नंबर दे रहा हूँ तो उनको फ़ोन करके तो आप लोकेशन मंगा ही सकते। तो अभी बस ये मैं बोला था ना कि नीचे जाना है, तो ये यहाँ पे पॉइंट है स्टार्टिंग में ही, यहाँ पे नीचे जा सकते। स्विमिंग वगैरह आते तो इतना इतना थोड़ा सा उतर सकते हैं, कोई ऐसा रिस्ट्रिक्शंस तो नहीं है। बिकॉज कल हम लोग ने देखा था थोड़े लोग थे, मतलब नी तक पानी में गए थे। ये देखो ये टपरी पे क्या क्या ले रहे हैं, पेरू। ये पेरू अनिकेत का फेवरेट। तो मंडली बोल, मेंबर मीट, मेंबर मीट। और ये हम लोग वो जो थोड़े पानी के नज़दीक आ गए, ये भाई सबको देखो जो कार में वो पिलो रहता है वो लेके आया, यहाँ पे सो गया है मस्त से। ये हम लोग ड्राइवर, हम लोग पेरू खा रहे। कौन है सर ये? ड्राइवर, ड्राइवर इज आवर ड्राइवर। तो यहाँ पे बैठ के पेरू का मजा लेने का और सामने डैम का व्यू। बोटिंग वगैरह भी होना चाहिए था ना।